अवार्ड जीत के आए हैं, व्हील चेयर से अवार्ड मिला है। बोल बाप, कैसे सब? मैं यहाँ क्यों? मैं तो सूरीपा जी के इससे पहले कि आप पूछो बता, मैं सूरीपा जी वाले हम दोनों एक दूसरे को इतने साल से जानते हैं, और ये एक ऐसे इंसान है, सिर्फ ऐसे इंसान है इस दुनिया में इस वक्त जिनके लिए इंडिया पाकिस्तान का मैच छोड़ के मैं आ सकता हूँ। ये बात और है कि मैंने उनको पूछा अगर मैच देखने मिलेगा तो नहीं मिलता तो भी आता था, बट आई एम ऑलवेज देयर बिकॉज आई लव हिम एंड द गुड इनिशिएटिव। चलो एक पार्टी करने की जगह और भी होगी, क्योंकि हम एक्टर्स इतना काम करते हैं कि अनवाइंडिंग के लिए जगह नहीं मिलती। और जब हम जवान थे, सूरीपा जी जब जवान थे तो और भी जगह होती थी, बहुत जगह होती थी, और होगी। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड मस्त जगह है, कमाल की जगह है, बहुत मजा आने वाला। बोल बा, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी जगह खुल जाए, क्योंकि घर के पास ज़रूरी है कि आपको कहीं ना कहीं गेट टुगेदर के लिए जगह चाहिए होती है। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल विकास को मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स करूँगा अच्छी जगह खोलने के लिए, इनवाइट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम दोनों आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए हैं, सबको थैंक्स। और अभी बस जाएंगे, एंजॉय करेंगे अंदर, देखते हैं एम्बियंस कैसा है। सी अभी भी रिसेंटली अभी हमने एक वेब सीरीज़ लॉन्च करी है साइबर सिंगर के नाम से, और दो तीन हैं पाइपलाइन में ऑलरेडी, एक हसीनापुर है और एक रियलिटी शो है जो ऑलरेडी आने वाला है मार्केट में, तो जस्ट कीप वेटिंग फॉर दैट। और अभी जल्दी आपको पता लग जाएगा न्यूज़। बिग बॉस की बात करूँ तो क्या कुछ कहना चाहोगे? बिग बॉस एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल घर है जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग जाते हैं और अच्छी अच्छी कंट्रोवर्सी करके बाहर आ जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट हाँ इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। ऑल द बेस्ट फॉर एवरी कंटेस्टेंट जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, और आई थिंक दो तीन नाम है जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं जाने वाले हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ मेरे को उनके बारे में कि वो जा रहे हैं, सब जस्ट वेटिंग की आए जल्दी से और हम देखेंगे। झलक के लिए किसको सपोर्ट कर रहे हो? कौन ज्यादा झलक दिखाता है? निया इज अ फ्रेंड, या निया इज अ फ्रेंड, तो निया के लिए सरप्राइज सपोर्ट। यस आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ये लुक या लुक कैमरा लुक लुक या लुक कैमरा लुक कैमरा ये इधर टर्न हो गया ना? या यही मेन कैमरा है, मतलब फर्जी है, यही है और क्या। ऑब्वियसली लेफ्ट, ऑब्वियसली लेफ्ट, इधर देखिए ना ये वाला, ये लुक या कैमरा इट्स ऑलरेडी लुकिंग वेरी ग्रैंड, लाइक बाहर से इतना बड़ा बोर्ड दिख रहा है, एंड इट्स बीइंग हैंडल्ड ऑल्सो बाय माई फ्रेंड मंसूर सैयद, सो दैट इज वाई आई एम हियर, ही इज लाइक फैमिली टू मी एंड आई एम हियर टू सपोर्ट हिम, राइट? वी आर हियर टू सपोर्ट मंसूर एंड दिस प्लेस लुक्स फैबुलस, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम। एग्जैक्टली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉकिंग अबाउट द वर्क फ्रेंड वर्क इज व्हाट इज देयर? वेल, आई थिंक नाउडेज यू गाइस सी मी मोर ऑन इंस्टा, बिकॉज सी द ट्रेंड हैज रियली चेंज्ड। आई एम एंजॉयिंग बीइंग अ ब्लॉगर, I'm enjoying doing it, you know, campaigns, and I'm looking at actually doing more web work. All right. So today India Pakistan match is also there, and you came. I'm not a cricket buff. I didn't even know. I was thinking, the roads too empty, yaar. So don't ask me anything about cricket, please. All right. Thank you so much. Thank you. Thank you.
बाकी कैमरा लोग थैंक यू। बताओगे वेलिनो के बारे में? एक्चुअली ये तो मेरे बड़े भाइयों ही का है, तो आज जस्ट गिव हिम लाइक यू नो विशेस कि बहुत ज़्यादा चले मार्केट। एग्जैक्टली। एंड क्लब के लिए जब आप जाते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? एम्बियंस, साउंड, फूड, क्या कुछ आपको पसंद है व्हेन यू गो आउट फॉर द क्लब? फर्स्ट इंसान का यही होता है कि एम्बियंस एंड सेकंड प्रायोरिटी इज सर्विस, क्योंकि वहाँ पे अगर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो पीपल विल बी लेफ्ट इजीली। ओके, सो अभी तक सबसे बेस्ट क्लब आपको कौन सा लगा है अंधेरी अगर लोकेलिटी की बात करो तो? एक्चुअली मैं ज़्यादा क्लबिंग करता नहीं हूँ, मैं दिल्ली में करता हूँ या दुबई में करता हूँ, तो मुझे मुंबई का इतना पता नहीं है। ओके, वेलिंग को देखिए क्या कुछ लग रहा है अबाउट दिस? अभी जस्ट मैंने एंटर किया, मैं अंदर जाके फिर आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा। ओके, एंड इसके अलावा लकी प्रोजेक्ट की बात करो तो क्या कुछ आ रहा है? अभी आई एम जस्ट प्लानिंग समथिंग बिग, और उसके लिए मेरा थोड़ा जिम पे भी ध्यान है, पर्सनालिटी चेंज कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, आप लोग को जल्दी से मतलब बहुत अच्छा कुछ देखने के लिए मिलेगा। ओके, एंड देन अगर मैं बात करूँ तो अभी झलक आ चुका है, ऑलरेडी खतरा चल रहा है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसके लिए? वन एंड ओनली फैजू। अगेन वेल, फैजू का नाम बिग बॉस के लिए भी आ रहा है, क्या कुछ बात हुई है, कुछ कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि उनको बहुत पहले से आ रहा था, बट यू नो इंसान एक स्टेप बाय स्टेप चलता है अपनी लाइफ में, तो वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं आपको, मेरे से बड़े और मेरे से बहुत पहले से इस इंडस्ट्री में हैं, तो वो अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ें सोच रहे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं यही सपोर्ट करूँगा, मैं यही चाहूँगा कि वो बहुत आगे जाएं, क्योंकि आई नो हिम पर्सनली, तो आई ऑलवेज फील कि जैसे वो खतरों के खिलाड़ी में थे कि मैं खुद वहाँ पे होके आया हूँ, और अभी झलक में भी से। ओके, एंड वेल डांस की बात करो तो अगर आपको ऑफर हुआ तो क्या करना चाहोगे, कौन सा रियलिटी शो? डांस के लिए तो मैं झलक दिखा जाऊँ, मैं भी नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, लास्टली थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। हेलो मैम, ए पीछे का मोबाइल है, मोबाइल क्या दादा? सर एक स्टेप जा। सर अरे जाओ, स्टार्टर आ गया तुम्हारा। सर लुक गया, सर ले अरे मोबाइल पीछे लो यार। भाई मोबाइल जो भी है पीछे ले ले मोबाइल। दीपक सर लुक गया, सर सर बाइट बस नहीं था। चेक इनसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैवंट चेक्ड इट सो, बट गुड यार, दिस प्लेस वाज वेकेटेड आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से इस जगह खाली लगती थी, काफ़ी रौनक वाली जगह है, फाइनली मरीनो इज देयर, तो अच्छा है। मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, और ये जो श्रावण चल रहा है इसके लिए तो कुछ फिल्में हैं जो रिलीज़ होंगी, पहले सीरीज तो अगले साल आएगी सारी जितनी भी हैं, बट कुछ फिल्में जो इस साल आएंगी आप लोग देखेंगे, बताइए कैसी है। थैंक यू। हाय अम्मी, अम्मी जी रुके अरे हम लोग को वहां पर ले लेना है। हां अभी वहां भी अरे इना हो जाए अम्मी अम्मी जी बाजी थोड़ा सा बाजी बाजी आई है, बाजी दूसरी भी आई है, तुम करो तो ऐसे नहीं जी। यहां पे देखिए ना लेफ्ट में अम्मी जी, अम्मी जी यहां पे सेंटर पे, अम्मी जी सेंटर मैम लेफ्ट, बाजी आई है, बाजी अम्मी जी रुकिए ना, अम्मी जी रुकिए, अम्मी जी रुकिएगा, आराम से बाजी बाजी आराम से चल यार बाजी। एक मिनट लेकिन पीछे वो है, एक सेकंड बेटा, अम्मी जी सामने देखो, अम्मी जी फर्स्ट में नहीं देखा।
मोनिका कहाँ है? Yes. Hi. I'm talking to Mr. Valino and about sir. I want to wish congratulations and I love the vibe. अभी मैं तो अंदर गई नहीं हूँ, but I can already feel the vibe. एक मिनट. And yeah, congratulations to sir. Congratulations to Vikas भैया. Vikas भैया है, अभी दिख नहीं रहे, but congratulations भैया. I love you. I think ambience is really important and the music, because I'm a music fanatic. Like I would want like a proper music. So I think ambience and music, and before that food, because then I need to party. So okay, that's it. And talking about the projects, what is there So 2-3 projects are lined up. Been working for them and waiting for the film to release. I'm really really happy for Kangana ma'am right now. She's working on such a huge project and I'm so so happy for her. And jaise unka ye shoot khatam hota hai, she gets some time, then we will go towards Tikuvet shoot. नहीं, मैं कंगना मैम के साथ नहीं प्ले करी, मैं आई एम द लीड इन द फिल्म. मैम प्रोड्यूस कर रहे हैं. आई थिंक आई वुड जस्ट से दैट इट्स सो wide. I think I have almost like figured out a lot of things and I still want to. I'm not saying mein puch lo yaar tum log picture mein ye wo to har bar bolti hai. So I have definitely matlab bahut sare aise aspects hai meri life mein jo mujhe abhi bhi dhoondne hai. Pata nahi next time main kya karungi. To bas wahi, I just want life to have like a lot of experiences is all, and I'm glad, I'm blessed that I got a chance to, you know, experience all that. Jhalak is coming, exactly. I'm so excited. All the best to all the contestants. And right now I'm not looking for any reality show, but let's see, hopefully, because I can't say no to dance. Everybody knows. Congratulations to her. And is it still on, Khatro? The results are out or what? No, not yet out. Okay. Congratulations to everybody. And also, मतलब यार बहुत difficult है यार वो show. I'm sure, मतलब बहुत, मतलब मेरे से तो नहीं होगा. I'm really, you know, scared of all that. So all of the people that are there, they're very strong guys. You all are very powerful. All the best. And जो भी win करेगा उसको congratulations from me. लेकिन इस बात पर तो I'm sure आपके काफी friends हैं, लेकिन support आप किसको करोगे इसमें? यार I'm not really sure. I don't know the contestants right now. But yaar sab log, I'm sure bahut mehnat karne wale, 5 saal baad Jhalak Dikhla Ja aa raha hai. I had been a part of Jhalak Dikhla Ja, so I know the feeling of Jhalak Dikhla Ja. So obviously Madhuri ma'am, Karan sir, everyone coming back together on the platform. I'm so so happy. All the best to everyone and acha karo yaar sab log, bas. Thank you so much.